वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है जैसिका। सो गाइस, दिन की शुरुआत हो चुकी है, अभी हो रहे हैं 6। इतनी सुबह सुबह मैं क्या कर रही हूँ, इतने बजे ही तो उठती हूँ ना। वो स्कूल वालों ने लिख के दिया था कि ये आज बनेगा कन्हैया, तो बस रेडी करेंगे इसको कन्हैया के लिए। और ये कन्हैया देखो सुबह से भी ऊट पटांग हरकते करेगा। सो गाइस देखिए, यहाँ ने कहा मम्मा मुझे लेजर लाइट लगा के दो, तो मम्मा ने लगा दी। अब ये देखिए कितना ब्यूटीफुल फील आ रहा है यार। अच्छा लग रहा है हान? अच्छा है ओए लड़के, मजा आ रहा है? मजा आप बैठो, मजे करो, मम्मा आ रही है खाना बना के, ठीक है? तो चलिए चलते हैं, अहान को इस ब्यूटीफुल रोशनी के साथ छोड़ते हुए हम चलते हैं। बन गया। तो ये हलवा बनके तैयार हो चुका है। अभी तक हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डाले, जस्ट बिकॉज कि आना और जाने ज़्यादा नहीं खाते ड्राई फ्रूट्स। और ये भून रही है सूजी, जस्ट बिकॉज कि मैं इसका उपमा बनाऊंगी। ये देखिए ब्यूटीफुल कालो। चाय बन के रेडी हो चुकी है, कैटल्स में जा चुकी है। सो गाइस, ये है मेरे बच्चों के लिए लंच। और ये देखिए इसके अंदर मैंने बनाया है, ये है हलवा लुकिंग डैम डिलीशियस, एंड ये है उपमा। थोड़ा सा मैंने वाटर ही रखा है जस्ट बिकॉज कि पहुँचेगा ना बच्चा वहाँ पे, तो जब वो खाने बैठेंगे तब ये थोड़ा ड्राई हो चुका होगा। थोड़ा सा सेमी लिक्विड मैंने रखा है ये दोनों बच्चों के लिए। कमेंट करके बताइए कितना डिलीशियस है। सो गाइस, किड्स के लिए बैग रेडी हो चुका है, चलिए चलते हैं। मैंने एसी बंद कर दिया है और लाइट भी बंद करती हूँ, लाइट बंद कर दी है, अब चलते हैं। बैग्स यहाँ रख देती हूँ। मैं किड्स के लिए कपड़े लेके आ चुकी हूँ, बस इन्हें अरेंज कर देती हूँ, तब तक वो आ जाएंगे। आज अम्मा के पास नहा रहे हैं। गाइस, अहान हो चुका है रेडी, देखना चाहेंगे कन्हैया की आज की झलक? आपको देखनी है कन्हैया की झलक? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये देखिए हमारे कन्हैया, छोटे से कन्हैया तैयार हो गए हैं। कैसा लग रहा है आपको अहान कन्हैया बन के? अच्छा लग रहा है। ओह, ये तो बहुत ही शुन्नू है। वाह, यस, ये तो जय जय जैसा है, सो स्वीट। हाँ, और ये देखिए ये जुन्नुड़ी भी हमारी तैयार हो चुकी है। बाय, आराम से आराम से, अहान को पकड़ लो, पकड़ा दो ऐसे। गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है ना, तो आप भी कर लीजिए जय जय। ये है हमारे घर के गधे कुत्ते। बताओ, मैं किचन में आई हूँ ये देखने के लिए कि चाय कहाँ, चाय तो यहाँ से मिसप्लेस है। और ये देखिए ये है चाय जो यहाँ पहुँच चुकी है मेरे से भी पहले। तो मैं पीने जा रही हूँ चाय जो होगी अदरक वाली, और साथ में देखूंगी टीवी थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के या 10 मिनट के लिए, और फिर चली जाऊँगी पेट्स को खाना देने, और फिर आऊँगी और खाऊंगी वही जो बच्चों के लिए बनाया है। चाय पी ली और अब चलती हूँ पेट्स को खाना देने, और साथ ही साथ करनी होगी हमें धुलाई। मौसम देखो बाहर का कितना रंगीन है, रंगीन मौसम हो रहा है, और ऐसे मौसम को देख कर हम भी थोड़े से खुराफाती हो रहे हैं। देखो कौवा महाराज बैठे हैं, ये सारे मेरे रिश्तेदार हैं, देखो आगे ना सारे मेरे रिश्तेदार। आज तक सोचा कि मैं कौओं को अपना रिश्तेदार क्यों कहती हूँ? कमेंट करो क्यों कहती हूँ, बहुत ही डीप रिसर्च है। सोचो सोचो कि मैं कौओं को अपना रिश्तेदार क्यों कहती हूँ, बूझो तो जाने। अब शांति रखो रे चोमड़ियों, बूझो तो जाने। हम भी बैठे हैं रिश्तेदार, और ये हैं सबके रिश्तेदार। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, चलो चलते हैं। और ये देखो
दुनिया का सबसे सीधा और बोला कुत्ता है, इसकी बचपन से जी बार है, और ये दुनिया की सबसे खुखार कुतिया। आ कुतिया, आ कुतिया, कैसी हो कुतिया? कुतिया नहीं वो, हमारी बार भी है, हमारे कलेजे का टुकड़ा। अरे देखा, हम अपने कलेजे के टुकड़ों के लिए क्या बनाते हैं, मसाला हम खुद नहीं खाते, इनको खिलाते हैं। मांस मुर्ग मसल्लम, ये देखिए बस अब ये खाएंगे और फिर ये सो जाएंगे। और मैं आपको क्या बताऊँ, मौसम ने तो ले रखी है, इतने अच्छे से मजा आ रहा है। क्या आए जा रहे हो मेरे ब्लॉग में? हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि तुम हमारे ब्लॉग में नहीं आओगे और मैं तुम्हारे ब्लॉग में नहीं आऊँगी, है ना। सो गाइज, इनका लग चुका है सुबह का नाश्ता, तो इसमें डाल दिया गया है, क्या डाला है? कैल्शियम। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं दिखा सकती ना, बैन है तुम्हारी शक्ल हमारे अकाउंट पे, बैन करवा दी गई है यूट्यूब द्वारा। मजे में पार्टी मना रहे हैं, मुर्गे फाड़ रहे हैं, ये देखो ये है वर्ल्ड एग्रेसिव ब्रीड रॉटवाइलर, जो अगर आपको एक बार पकड़ ले तो आधा किलो मांस का लोथड़ा लेके ही निकलेंगे। देख रहे कैसे खा रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ना इनकी माँ, ये ऐसी है कि अगर आपको पकड़ेगी ना तो आधा किलो नहीं सीधा 1.5-2 किलो लेके निकलेगी, तो बहुत ही खुखार है। खुखार कुत्तों के साथ रहने वाला प्राणी जिसको कोई डर नहीं। आगे भी कहता होगा जिसका दोस्त रॉटवाइलर हो वो दुनिया का भैया सबसे लकीस्ट कुत्ता होगा। हाँ रॉटवाइलर इसका दोस्त है बचपन से। अब ये देखो मेरी सेना बैठी है, ये कह रहे आ रहे हमको भी दे दो, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। रुको मैं देती हूँ, ये देखिए 2 पैकेट्स ले लेती हूँ इनके लिए, इनको खोलती हूँ पहले। सो देखिए कितने सारे हैं ये देखा आपने, तो ये सब फौज मेरे यहाँ पे आती ही आती है ऑन डेली बेसिस। और मेरा एक कुत्ता है यार, वो किधर गया, वो देखो वहाँ बैठा है, काफी आराम से बैठा, ये नहीं आ जाए खाना खा ले। तो चलिए अब चलते हैं, ये देखिए ये मेरी फेवरेट वॉल है जहाँ पे यू कैन सी माय ऑल द टीम। चलिए मैं आपको अच्छे से पहले फटाफट दिखा देती हूँ, ये है तुलसी कुमार, टी सीरीज की ऑनर, आपको पता ही होगा। एंड ये है गुफी जी, गुफी पेंटर, मामा शकुनी जो बने थे। ये हैं, मैं इनका नाम भूल गई, ये एक ये सिंगर हैं बहुत फेमस। और ये हैं सुनिधि चौहान, ये हैं असरानी जी, सोहम, एंड ये हैं कविता कृष्णमूर्ति जी, ये हैं अभिनव और जेसिका, ये है यशपाल हमारे दिल के करीब, हमारे मित्र, हमारे जिगर के टुकड़े, और ये है वन एंड ओनली, आप सबको पता ही है, कुमार जी, कुमार शानू जी। सो आई लव दिस एरिया एंड बहुत सारी और भी पिक्चर्स है, कभी मैं वो लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। अब चलते हैं घर में, और नहीं घर पे कैसे जा सकते, पहले तो मुझे बर्तन धोने हैं ना। हाय चल आगे का पानी रख दें यहाँ पर इनका, यार ये भी धोना भी। लो दिखा दिया प्रॉपर, अब सफाई कर्मचारी को सफाई कर्मचारी दिखाएंगे ना, और क्या दिखाएंगे, सफाई कर्मचारी फटाफट आने का नाश्ता कर लेने का, किन ने ऑर्डर दिया है। अब आवत रहे ठीक है, मैंने सफाई कर लेने फिर आवत है। ये जो हमारे यहाँ पे काम वाला है बहुत ही बड़ा कामचोर है, हर बार ना ये बचता है काम करने से, बहुत बड़ा वाला कामचोर है। आदमी को कछु काम दे दो ये कहता है हाँ हाँ कर रहे हैं, करता हूँ करता हूँ, जल्दी कराओ। ये देखो कितना आराम आराम से कर रहा है, है? मैं आराम से अबे इससे स्पीड में क्या चाहिए रे, है जट सावर लगा दे। ये देखो ये देखो गाइस, मौसम के मजे ले लीजिए, नहीं तो मौसम आपके मजे ना ले जाए। तो मेरा रिश्तेदार फिर से आके बैठ गया, अबे अभी तो खा के आयो, कह रहे नहीं तो मैं रक्षा कर रहा हूँ आज तुम्हारे घर घर की, कोई आएगा तो पहले ही बताऊंगा। देखो तो चल के जा रहा है, ऐसे ऊपर उल्टी होके लेटी है मजे में, उसे शर्म आ गई, इधर से पैर हिला रही थी, एक ही नीचे कर लेती हूँ, फिर उसको याद आया नहीं वीडियो चालू है। ये फो चिली मुतली, अब मुतलो। खाना तो कम खाती है लेकिन जब से इसका यूट्रस का ऑपरेशन कराया ना तब से ये मोटी हो गई बेचारी। आए ना आए हम तो चले। पछता रही हूँ मैं तुमसे शादी करके। पछता तो मैं रहा हूँ तुमसे शादी करके, तुम्हें पता भी है कितनी दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए। हाँ दूर दूर से तो आने ही थे क्योंकि पास वालों को तो तुम्हारी हरकतों का पहले से ही पता होगा। गर्मा गर्म 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 गर्म
मौसम के लिहाज से ये खाना बना, मौसम के लिहाज से माता का मौसम चल रहा है। ये आर्टिस्ट बड़ा आर्टिस्ट बन गया है। ये आर्टिस्ट जो थोड़े दिन पहले बिना काम का आर्टिस्ट था, ये आर्टिस्ट भी एक्सपर्ट हो गया है। मौसम का लिहाज, क्या डायलॉग मारा है। ये देखो पूड़ियाँ, ये सब कर लेंगे हम। क्या कहना चाहती हो, हमको पूड़ी बनानी नहीं आती हैं? कहाँ जा रही हो पतली गली में ए भागी। सो गाइस खा लेते हैं पूड़ियाँ। सो गाइस अपने मजदूर पति से कुछ काम करा लूँ। ए मजदूर भैया, पति भी कह रही और भैया भी कह रही हो, ऐसे ही चाहे। गाइस ये है जेसिका का खजाना। ये सभी के सभी जो हैं अभी तक अनओपन है, कभी मैंने ओपन किए ही नहीं आज तक। टैग के साथ है, विद फुल टैग सबके लगे हुए हैं। वो देखिए, एक तो बॉक्स से निकला भी नहीं है। हे भगवान, ये कैसे रखूँ, आ जाएगा वो डंडी का आगे जो इसके रखी थी। डंडी का अपने को नहीं पता, लेकिन मैं पकड़ती हूँ, तुम लगा दो इसको। अरे लेकिन यार डंडी होती थी ना। हाँ होती थी, गायब में जाया जा रहा है। एक और थैला, असमझ नहीं आ रहा है घुसेड़ू कहाँ से। हवन होगा, हवन हो। अरे मेरे पे गिरा मत देना, दबा दबा के कपड़ों को फूस। फिर भी नहीं जाएगा, यहाँ से तो बहुत ज्यादा ऊंचा है। अरे तुम देखते जाओ, इसमें मैं दुनिया को समा दूं। करो नीचे करो, अब इस पे खड़े हो जाओ, अब इस पे हवन करो। हवन करेंगे। चलिए मेरे साथ कीजिए हवन। देखा, कहा था ना सब सेट कर दूंगी, कर दिया। सो यहाँ पे बहुत सारे हमने काम तो कर लिए थे, पर थोड़ा मोटा जड़ा बचा मुझे अब करना है। गाइस मैं बहुत पहले बैग्स लेके आई थी, हैंड बैग्स, जो कि आपको शायद याद भी होगा पिछले ब्लॉग में आपने देखा था। तो अब देखिए, अब जाके उनकी ओपनिंग कर रही हूँ। हे भगवान, मैं इनका लगाने जा रही हूँ, ऊपर दिखाती हूँ आपको कैसे लग रहे हैं लगाने के बाद। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने मेरे सारे बैग्स लगा दिए हैं। आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखिए। क्यूट है ना, क्यूट तो होनी ही है ना, क्योंकि मैं खुद एक क्यूट बच्ची हूँ। सो ये हैं सारे क्लोथ्स। अब ये सब तो लग चुके हैं, और बाकी ये सब कचरा है, ये मेट्स ले लेंगे। और मैं अभी कुछ और थोड़ी चीज़ें हैं जो लगाने वाली, वो लगाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। कुछ मेरे ग्लासेस, सनग्लासेस यहाँ लगा लिए हैं। एंड ये मैं एक ड्रेस लाई थी जो मैंने अब तक पहनी नहीं, अब तक निकाली नहीं, पहने तो दूर की बात है। ये भी एक नाइट ड्रेस लाई थी जो मैंने अभी तक नहीं पहनी। माय गॉड, सी कितना क्यूट है ये। सो गाइस, मैंने बहुत मेहनत करने के बाद मेरे स्टूडियो को कुछ इस तरह सजाया है। देखोगे, दिखाओ। वेट, अभी बहुत अच्छे से नहीं सजाया, बस थोड़ा सा, जितना सजा उतना ही दिखाती हूँ। सी, This look damn amazing, right? So, मुझे कमेंट करके बताना कैसा है। Oh my God. कमेंट तो करके जरूर बताइएगा कि ये छोटी सी प्यारी सी खोखचे वाली जगह को मैंने कैसा बना दिया। सो हो गया ना miracle? ये छोटे मोटे चमत्कार तो हम करते ही रहते हैं। कैसे, हम हैं वन एंड ओनली जेसिका। इतनी मेहनत करने के बाद मैं गई हूँ थक, और अब मैं जा रही हूँ नहाने। कितना नहाओगी, लगता है धरती का आधे से ज्यादा पानी तो तुम्हें खत्म करोगी ना। ऐसी बात नहीं है, नहाना जरूरी है ना, तभी ना जेसिका खूबसूरत लगेगी। एक ले दे के हम नहाते ही तो हैं, और ना हम लोग चेहरे पर कछु लगाते हैं, ना कछु मेकअप करते हैं। थोड़ा चिट्टी चिट्टी सा करते, थोड़ा सा लिपस्टिक, थोड़ी सी है ना, बस ऐसी क्रीम बाच, ज्यादा कछु नहीं करते हम। वो क्यों नहीं करते हैं कि इतना मेकअप करके चेहरे के हमने बैंड थोड़ी ना बजाने। स्केच आ चुके हैं और आते ही चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, पता नहीं पागल ही है यार ये मेरे बच्चे। तो चालू है ये क्या, मैंने कहा ये क्या बन गया है। अरे ऊपर की टी शर्ट तो बदल लेता, मैंने दी तो थी टी शर्ट। कपड़े कहाँ गए तुम्हारे, ऐसे ही आया फटीहाल में, गया था तो कन्हैया लग रहा है, आया तो मजनू बन रहा है। हे भगवान। हाँ जी बेटा, आ गई हमारी चाय, और आज हम 3:30 बजे ही चाय पी रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा चाय बना दी मम्मी ने, और चाय वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये देखिए, ये इन लोगों की कैमरा सेंस, इधर कैमरा चालू करते हैं लोग भाग जाते हैं।
एक ब्लॉगर की बेइज्जती कर दूंगी। ब्लॉगर की बेइज्जती इज्जत थी ये इसलिए गई थी, ये कलाकार इसलिए गया था कि अपनी प्रॉपर्टीज लेके आ सके। सो गाइस मैं आई हुई थी मेरे सीक्रेट रूम में और अब मैं जा रही हूँ पेट्स को खाना देने। गाइस आपने अब से पहले सिर्फ एक ही सुना होगा कि लकड़ी जैसा दिखने वाला कीड़ा भी होता है, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देख के मेरी तो बैन बज गई, मैं दिखाती हूँ। एक लुक में आपको लगेगा ये लकड़ी है गाइस, और ये लकड़ी नहीं है भाई, ये तो कीड़ा सा है। ओह माय गॉड, देखो इसके ऊपर ये डिज़ाइन देखो, और हिल रहा हिल रहा हिल रहा हिल रहा है। तो गाइस कर लीजिए भगवान जी के दर्शन, और ले लिया है मैंने बैग और मैं जा रही हूँ बाहर, कुछ थोड़ा सा घर का सामान लाना जो ख़त्म होगा तो इसलिए, लेकिन दोनों गधों को भी साथ जा रही है। दिनों बाद हमारा यूँ निकलना हुआ बाहर अलॉन्ग विद किड्स। आज तो लगवाऊंगी तुम्हें इंजेक्शन, ना लगवाऊंगी। बहुत ही प्यारी धूप है, आ चुके हैं कुकर वाले के यहाँ कुकर लेने। फोन दो, कोई फोन नहीं, बाहर आएंगे मैं तुम्हें घुमाने लाई हूँ बाहर, बाहर देखो। आहान आहान तो फोन नहीं मांग रहा ना, गुड्डू बॉय है देखा, भैया भी तो नहीं मांग रहा फोन है। मैं कुछ सब्जी और ये सब चीजें छेड़ना नहीं, छेड़ो मत, छेड़ मत। गाइस किराने का सामान लेकर हम निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं थोड़ी वेजिटेबल्स लेने और थोड़े फ्रूट्स भी लूँगी। कल आई हूँ किसी दूसरी जगह पे, वो अंकल थोड़े से रेट ज़्यादा लगाते, तो आई थॉट कि चलो किसी और के पास ट्राई करते। सो देखिए कितनी रंग बिरंगी सब्जी है, आई कैन सी ऑल 7 कलर्स, मे बी मोर देन दैट। क्यों चिल्ला रही, अरे फूंक रहे उसके पैर पे। तो मैं आई थी यहाँ पे डीमार्ट है, तो वही देखने आई थी कि वो क्या दे रहे हैं। सो वो पनीर और दही दूध ये सब दे रहे हैं जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, तो चलिए वापस चलते सब्जी वाले के यहाँ। सो सब्जियाँ ली जा रही हैं, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लेनी हैं। तो इस घर की राजा हो, रानी नहीं हो, रानी कैसे हुई, रानी तो हम है, प्रिंसेस है, प्रिंसेस प्रिंसेस क्या बोलेंगे, राजकुमारी। वेजिटेबल्स देखिए और सब ले लिए हैं और जा रहे हैं घर, और मैं घर पहुँच देखेंगे खाने पीने को क्या होगा, जो खाने पीने को मिलेगा वो खा पी लेंगे, नहीं तो फ्रूट्स वगैरह खा के हम लोग करेंगे एडिटिंग और फिर जाएंगे। सो गाइस आज मुझे आप ऑटो में ही दे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगी कल इन माय न्यू ब्लॉग। टिल दैट टाइम डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड गाइस मौसम अच्छा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करो, आप वो करोगे तभी ना कुछ होगा। और गाइस अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो दिल में है कहीं नहीं जाने दूंगी, और सब्सक्राइब करेंगे ना तो हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। लव यू ऑल, बाय।